बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5.8। ये है सफ़ा नंबर 102 पे, और इसमें यह है कि आपने एलसीएम मालूम करना है, यानी कि ज़ोज़ाफ़िकल किस तरह फैक्टराइजेशन करके, यानी कि तजी करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जी क्यूब एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स 5 और 4 एक्स 4 वाई 3 जी 5। तो जी क्यूब एक्स स्क्वायर को आप क्या करेंगे, मैं ना एक्स ही पहले लिख लेता हूँ रकम में, एक्स एक्स जी जी जी। अगला है एक्स 5 जी स्क्वायर एक्स 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 जी जी, और उससे आगे है 4 एक्स 4 y 3 z 5। तो 4 के फैक्टर प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 x x x x y के y y y और z के z z z z z, 1 2 3 4 5 z 5 हो गया, y 3 1 2 3 और x 4 ये हो गया। डबल चेक कर लूँ सारे ज़रा। अच्छा जी, ये है एक्स 5 जी स्क्वायर, तो एक्स 5 जी स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। ये है एक्स स्क्वायर जी क्यूब, तो एक्स स्क्वायर जी क्यूब ठीक है। आप इनको ज़रा एक बेहतर तरीके से लिख लेते हैं, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर जी क्यूब एक्स 5 जी स्क्वायर और 4 एक्स 4 वाई 3 जी 5। चूँकि ये हमारे पास नंबर्स भी आ रहे हैं, तो इसमें कोई नंबर नहीं है, तो मैं ये दो, मुझे पता है दो नंबर है, मैं दो नंबरों की जगह छोड़ रहा हूँ। तो एक्स सॉरी इस ई डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स बल्कि चलो ठीक है। मैं असल में सोच रहा हूँ कि ये जो बड़ा नंबर है ना, चूँकि इसमें ज़्यादा चीज़ें आ रही, तो पहले इसको लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह है कि इसमें अगर 4 एक्स है तो इसमें 5 है, तो ज़रा ध्यान से ना हमें, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ एक्स की काउंट करते हैं, 2 एक्स है ना यहाँ पे, कितने 1 2 3 4 5, तो मैं 5 ना जगह बना लेता हूँ। तो 2 में ये आ गए, 3 जगह खाली छोड़ता हूँ जिसमें इनके आएंगे, इसमें एक्स 4 हैं लिहाजा ये कवर इसमें हो जाएंगे। आगे देखें वाई के 3 जगह, इसमें वाई कोई नहीं, इसमें वाई कोई नहीं, तो वाई के भी मैं 3 जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे जी जी जी, इसके जी पूरे हो गए, इसके 2 जी हैं वो इनके नीचे आ जाएंगे, और इसके 5 जी हैं तो इनसे आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखिए पहला हमारा कवर हो गया, 2 एक्स और 3 जी ठीक है। अगले में क्या आता है, 5 एक्स और 2 जी, ये पहली दो जगह हमने इन दो के लिए छोड़ी हुई हैं, एक्स 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 5 एक्स हो गए, 1 2 3 4 5 ठीक है, 5 पूरे, 1 2 3 4 5 ठीक है। आगे है दो जगह हमने y की छोड़ी हुई है, बल्कि 3, ये 3 है ना y, 1 2 3, तो इसके z पूरे कर लें, z और z, तो 2z 5x हो गए ठीक है। अब इसके 2x हैं, तो यहाँ पे एक जगह छोड़ी थी, ये छोड़ी थी, x इसके 4 है, 1 2 3 4, अब ये x और नहीं है तो ये जगह खाली छोड़ेंगे। y इसके 3 है, जो कि हमने 3 जगह छोड़ी थी, z इसके 5 है, 2 3 4 5। अब हमने कहा है कि जो कॉमन है ना वो हैं जो एक से ज़्यादा टर्म्स में आते हों, तो ये तीनों आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये
ये ठीक है। तो कॉमन यानी कि मुश्तरक वो क्या है, एक्स 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 जी 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 जो कि बनता है एक्स फोर जी थ्री ठीक है जी। अब यह कि अनकॉमन करते हैं, यार मुश्तरक वो क्या है जो बचे हुए हैं, ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता, बच गए जो वो वाले, तो ये आते हैं टू टू एक्स वाई 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 जी जी, तो ये बनता है फोर एक्स वाई क्यूब जी स्क्वायर। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट होगा इसका और इसका, तो वो क्या आएगा एक्स फोर जी थ्री मल्टीप्लाई बाय फोर एक्स वाई क्यूब जी स्क्वायर, तो ये आंसर आता है फोर एक्स फोर है, ये एक्स एक और आता है एक्स फाइव वाई क्यूब जी फाइव। फोर एक्स फाइव वाई क्यूब जी फाइव बिल्कुल ठीक है जवाब हमारा। क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, उसमें जी 18 बल्कि डायरेक्टली लिखना शुरू करते हैं, इधर क्या फ़ायदा इधर लिखने का। 18 ए थ्री बी फोर सी फाइव, 18 ए थ्री बी फोर सी फाइव, 42 ए फोर बी थ्री सी फोर, 42 ए फोर बी थ्री सी फोर ठीक है, और तीसरे वाली है 60 ए थ्री बी फोर सी सिक्स। 18 ए थ्री बी फोर सी फाइव, 42 ए फोर बी थ्री सी फोर और 60 ए थ्री बी फोर सी सिक्स। फैक्टर्स बनाते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 सिक्स, सिक्स थ्री ज़र 18 प्राइम फैक्टर्स बन गए, इंटू ए ए ए बी 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 और सी के सी, पांच दफ़ा सी आएगा, 3 4 5। मैं चेक कर लूँ, 3 ए हो गए 4 बी और 5 सी ठीक है, इसके ही आएंगे 2 3 7, 2 3 6, 6 × 7 42, 4 ए आएंगे, बी 3 आएंगे और सी 4 आएंगे ठीक है, 4 3 4 ठीक है। 60 होगा 20 × 360 होता है, 20 के होंगे 2 × 2 × 5, 20 हो गया, एक 3 भी लगा दें इधर, 3 3 को वैसे पहले लिखना चाहिए, तो ये 3 और ये 5 ठीक है। अब 3 ए है 4 बी और 6 सी, 1 2 3 4 5 6 सी हो गए, 4 बी हो गए, 3 ए हो गए, 60 ए और ये 4 3 4 3 4 5 ठीक है। अब इसको ज़रा मैं बेहतर तरीके से तरतीब दे के लिख लेता हूँ, तो 18 कुछ पेन गड़बड़ कर रहा, 18 ए थ्री बी फोर सी फाइव जो होगा वो क्या होगा 2। आगे देखें
नीचे टू कितने आते हैं, दो टू आते हैं, इसमें एक टू आता है और इसमें आके दो टू आते हैं, तो एक टू की मैं जगह छोड़ रहा हूँ। आगे क्या आता है, इसमें थ्री दो तीन आते हैं, तीन लिख लिए, इसमें एक तीन आता है और इसमें एक तीन आता है, लाजा ठीक है। अब देखें इनमें एक सात आता है और एक पाँच आता है, तो एक जगह मैं पाँच की छोड़ता हूँ, एक सात की छोड़ता हूँ। अगर आपको मुश्किल लगे तो, अगर आपको इधर से डायरेक्टली कर सकते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, बल्कि क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ कि ना ये बार बार लिखना भी कोई आसान काम नहीं है, अगर तो आपको ये जो तरीका मैंने इधर बताया है ठीक है, अगर आपको इस तरह रिपीट करके लिखना आसान लगता है, सौ बिस्मिल्लाह। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ना मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारूँ, और ना क्योंकि बार बार लिखने में भी बास का जितने स्टेप्स करेंगे बास का देखा जाए तो उसमें भी गलती के चांसेस हो जाते हैं ना, क्योंकि आप बार बार चीज़ को लिख रहे हैं, मे बी कोई ए बी सी छोड़ दें, कोई लफ्ज़ छोड़ दें, तो मैं इधर ही ना ऐसा कुछ इंतज़ाम करने लगा हूँ। वो देखें क्या करता है, होपफुली कुछ लोगों को अपील करेगा। अच्छा देखते हैं, ये दो है ना, इसका इधर दो आया, अगले अगले जो दो रकमें हैं उनमें कहीं दो आया, हाँ जी आया, तो जनाबे वाला ये आपका कॉमन हो गया, इसका दो और इसका दो, ठीक है। अब ये आपका तीन आया, आगे कहीं तीन आया, हाँ जी तीन आ रहा है, ये आया तीन और ये तीन आया और ये तीन आया, ठीक है, ये तीन और आ रहा है, कहीं और तीन आ रहा है, एक दफ़ा भी और आ जाए तो इसको मैं कॉमन में शामिल कर लूँगा, नहीं आ रहा। अच्छा अब अगर ये दो है ना, ये जहाँ पे भी दो आया ना एक एक दफ़ा, तो उसे ज़रूर कवर कर लें, ठीक है ना, ये कवर हो गया। अगर यहाँ पे अब देखें, तीन को भी मैंने दो दफ़ा आया था कवर कर लिया, बल्कि तीन दफ़ा आया कर लिया, ये तीन अब अकेला इधर भी नहीं, इधर नहीं, अकेला छोड़ दिया, ये सात है अकेला छोड़ दिया, पाँच अकेला छोड़ दिया, ये दो अकेला है। अगर यहाँ पे फर्श कर एक और दो होता तो इसको भी मैं सर्कल कर लेता, ठीक है। एनीवे, बल्कि इस सर्कल करने में मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा मसला ये है कि आप क्या पता ये सर्कल जो है वो तीन वाला है कि दो वाला है, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है सर्कल करना, लाइनें लगाता हूँ मैं, क्योंकि मैं ये भी चाहूँगा ना कि ये किसके साथ पेयर बन रहा है। अब ये दो हो गए, अब मुझे समझ आ रही है, ये तीन हो गए, ठीक है, अब ये तीन अकेला रह गया, इस सात अकेला रह गया, पांच अकेला रह गया, दो, ये लाइनों का वही पैटर्न बन गया जो तकरीबन हम पहले कर चुके हैं। अच्छा ये ए है, ये ए, चलो जी कवर हो गए, ये ए और ये ए कवर हो गए, ये कवर हो गए। अच्छा अब यहाँ पे ए और कोई नहीं, यहाँ पे अकेला ए है, अच्छा ठीक है। आप बी को देखते हैं, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी, ये बी, वैसे भी देखें ए है ना, ये इधर तीन है, इधर चार है, तीन है, तो इसका मतलब ये है कि ए के तीन पेयर बनेंगे, देखें एक दो तीन, साफ पता चल रहा है यहाँ से, बी चार है, बी तीन है, बी चार है, तो सबसे कम क्या है, बी की तीन है, तो तीन पेयर बनने चाहिए, तीन बन गए। सी पाँच है, सी चार है, सी छः है, तो सी के ना चार ऐसे पेयर बनेंगे जो तीनों में आएंगे, तो ये देखें पहला दूसरा तीसरा चौथा। अच्छा ये आपने तीनों वाले कर लिए, अब ये देखें ये इधर सी, हाँ बल्कि मैं एकदम आगे चला गया हूँ, ये बी था ना, और इधर बी नहीं है लेकिन इधर बी है, तो इसको इससे मिलाने लगा हूँ, ये सी है और ये सी है, इसको मैं इससे मिलाने लगा हूँ, ठीक है। तो जनाब अब आपका कॉमन वाले कौन से हैं, टू, ये आपका थ्री, फिर ए ए ए, बी बी बी, ये बी ये बी ये बी, और एक ये बी जो दो के दो में है उसको भी शामिल करेंगे, सी के एक दो तीन चार और ये पांचवा, तो ये आपकी रकम क्या बनी, सिक्स ए क्यूब बी फोर सी फाइव। आप लेते हैं जी अनकॉमन गैर मुश्तरक, वो देखें ये टू बचा हुआ इधर, टू, ये थ्री बचा हुआ थ्री, ये फाइव बचा हुआ फाइव, ये सेवन बचा हुआ सेवन, ये अकेला ए फेरा ए, ये
ये भी कोई नहीं इधर, और एक अकेला सी फिर रहा। तो आप जनाब, आपका सॉरी पहले मुझे लिखने बनता क्या, ये बनता है 6 6 × 5 है 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई, 210, सॉरी 210 ए और सी। आप जनाब आपका एलसीएम निकालना है, हमने एलसीएम आएगा जनाब 6a³ b4c5 को ज़रब देनी है 210 ए और सी से। अब 210 को 6 से ज़रब दें 1260, a³ है और ये a है, तो a4 b4 अकेला c5 और एक c6, तो लेट्स सी जो आप ठीक है कि नहीं। वाह, जवाब बिल्कुल ठीक निकला है जी। चलें अगला सवाल करते हैं। एक है जी x²-49, दूसरा है x²-4x-21। ये क्या आपको पता ही है x²-7 का स्क्वायर, तो याद था x-7 × x+7, आसान था। ये है x², ये 21 आएगा, माइनस का साइन है, माइनस होंगे, ये माइनस है, बड़ी रकम का साइन आएगा। 21 के फैक्टर क्या है, 7 को 3 से ज़रब दें, ठीक है, तो -7x+4x-21, सॉरी 3x, तो आ जाएगा x·x-7 + 3 × x-7, तो यह आ जाएगा x−7 × x+3। अब देखें कॉमन कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, और अनकॉमन कौन से हैं, ये वाले के। तो अनकॉमन कौन से, x+3 × x+7 और कॉमन क्या है, x-7। तो अब आमतौर पे हम इसको ज़रब दे लेते, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये x+7 x-7 है, तो इसको भी ज़रब नहीं देते, ये आपस में ज़रब दे देंगे, तो वो x²-49 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, x+3 × x+7 × x-7, तो आता है x+3 × x²-49। बिल्कुल ठीक है जवाब, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, p³q - p³³। अगला वाला है p²² - p²²। पी क्यू कॉमन ले लिया, तो p²-q² तो ये आ गया p·q p·q × p+q। ये p5 है, p2 है, तो p2 कॉमन निकल सकता है, q2 है, q5 है, तो q2 कॉमन निकल सकता है, तो p²q² कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया p³-q³। अब इसको p³ × p³ लिखेंगे, और ये होगा p·q² + q² + p³। आई होप कि मेरा ये फार्मूला ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं कॉमन कौन कौन से हैं। देखें ये pq और ये pq, ये कॉमन हो गए, ये p−q और ये p−q कॉमन हो गए, ठीक है। तो जो अनकॉमन बचे ना, एक ये बचा, एक ये और एक ये, तो
अनकॉमन कौन कौन से हैं, पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस पी क्यू, और कॉमन वो है पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब जनाब एच सी एफ वो क्या होता है, कॉमन इंटू अनकॉमन, तो पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, ज़रा दें पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब इसको इससे ज़रा दी तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया, इसको इससे ज़रा दी तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया, और ये बेचारी अकेली इसी तरह आ गई। ये आपका आंसर है, मैं सात आंसर देख रहा था, आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, और दूसरी रकम है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, ठीक है। इसके फैक्टर्स बनाएं, एक्स प्लस 6, तो फाइनली आ जाएगा एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1। ये आएंगे एक्स स्क्वायर, 24 है ना, तो 8, 24 के फैक्टर्स बनेंगे 6 और 4 प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 6 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 4। कॉमन में देखें, ये ग्रीन वाले कॉमन है और ये वाले आपके अनकॉमन है, ठीक है। इनको बल्कि मैं ऐसे करता हूँ जैसे हम करते हैं ताकि एक पेयर का पता चले। तो कॉमन क्या हो गया, एक्स प्लस 6, और भाई अनकॉमन क्या हो गया, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। तो आपका एल सी एम क्या आएगा, एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अब बुक में उन्होंने इसको ज़रा देख के कुछ लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो आंसर जो बुक में दिया है वो ऐसे करके दिया, एक्स प्लस 6 और इनका प्रोडक्ट जो मैंने अभी निकाला है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। मैं चेक कर लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, एक्स इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये आ जाता है एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये आएंगे भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, एक्स कॉमन ले लिया एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, कॉमन ये पेयर बनता, ठीक है, एक्स माइनस 3। अनकॉमन क्या बनते हैं, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बनता है। तो एल सी एम क्या आ गया, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4।
देखते हैं बुक में ऐसे ही आंसर लिखा है कि मल्टीप्लाई करके लिखा है उन्होंने, ऐसे ही लिखा है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स क्यूब माइनस 8, आगे है एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 16। तो ये किसका क्यूब है? एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4। इसके फैक्टर्स करते हैं एक्स इंटू एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 16 है ना, तो 8 और इंटू 2, ठीक है, माइनस 8 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 16, तो आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 8, ये माइनस का साइन है, तो आएगा एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है जी, अब कॉमन देखते हैं, एक्स माइनस 2 कॉमन नज़र आ रहा है, और अनकॉमन क्या एक्स माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4। सॉरी एक्स 4 है। अब एल सी एम है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स 4 प्लस 2 एक्स प्लस 4। इन दोनों को ज़रा आप देख के लिख लेते हैं, बुक में ऐसे ही आंसर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 16 हो जाएगा। ये माइनस 4 नहीं, बस ये 4 है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 16 इंटू एक्स 4 प्लस 2 एक्स प्लस 4। डबल चेक कर लें जवाब को ज़रा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 16 इंटू एक्स 4, थोड़ी सी गलती मैंने की है, ये एक्स 4 नहीं है, एक्स 2 ही है, पहले मैं ठीक कह रहा था, ये गलती। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वो है ए क्यूब प्लस 64 और ए स्क्वायर माइनस 16। ए का क्यूब 4 का क्यूब, तो ए प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 ए, ये है ए का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस 4 इंटू ए माइनस 4। तो कॉमन देख लें, बड़े ऑब्वियस हैं, ये टर्म है कि ये टर्म ए माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 ए। मैं इनको ज़रब नहीं दे रहा क्योंकि जब इनको आपस में ज़रब देंगे तो ये एक ए स्क्वायर माइनस 16 बन जाएगा, तो ए प्लस 4 इंटू ए माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 ए, यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 16 इंटू ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 ए।
बिल्कुल ठीक है जवाब। अब अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अगली टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और तीसरी टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैं डबल चेक कर लूँ ये ठीक है, सही है, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाने शुरू कर दें, ठीक है। एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर्स आ गए एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। इसको किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, तो यह आया एक्स कॉमन ले लें तो एक्स प्लस 3, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 3, तो ये एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तीसरा वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, तो आ जाएगा एक्स कॉमन ले लिया एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 2, तो ये आ गया जी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा जी, एक्स माइनस 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर तीनों में आता। अच्छा जी, ये एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 3 है, एक्स माइनस 1, ये सारे के सारे अनकॉमन में आ जाएंगे। तो कॉमन में ये मैं लाइन इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर ताकि मुझे पता चले कि तीनों का एक पेयर बन गया ना, तो नॉट पेयर बट तीनों का एक ग्रुप बन गया, तो मैं इनको एक ही दफ़ा काउंट करूँ ज़रा। अभी तो ये बड़ा सीधा सा, लेकिन बास का अगर ऐसा हो कि दो में कॉमन हो और तीसरे में ना हो, तो कुछ अगर सिर्फ सर्कल लगाऊंगा तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो एक्स माइनस 2 आ गया। अब अनकॉमन में क्या आएगा, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब मैं देखना चाहूँगा बुक में इन्होंने जवाब कैसे लिखा हुआ है, अगर तो इस टर्म को मल्टीप्लाई भी किया हुआ है तो मैं कर देता हूँ, या ये कि इसको रखा हुआ और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मेरा ख्याल ऐसे ही करते हैं। चलो एल सी एम क्या आएगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं इसको रखता हूँ, इन दोनों को ज़रा दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं कि क्या जवाब है। बिल्कुल ठीक है जवाब हमारा, ज़बरदस्त। ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी के जो तकरीबन 8 सवाल हैं वो अगले वीडियो में करते हैं, ताकि वीडियो की लेंथ एक रीज़नेबल साइज़ में रहे। अस्सलाम वालेकुम।